हेलो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिला को अपने डाइट में उन सभी चीजों का सेवन करना चाहिए, खासकर सीजनेबल चीजों का जो अलग अलग सीजन में आते हैं, क्योंकि वो बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर कुछ चीजों का आप सेवन करते हैं, आपके घर में पल रहे शिशु का विकास सही तरीके से होगा। आज मैं बात कर रही हूँ गाजर की, यानी कि गाजर का जूस अगर आप पीती हैं तो क्या फायदे होंगे और आपके लिए अगर नुकसान है तो क्या है। पर दोस्तों, नुकसान तो इसके कम होते हैं, वो आपको जानना जरूरी है, पर फायदे जरूर जानने चाहिए ताकि आप भी गाजर जूस का सेवन कर सकें। पहले ये जान लेते हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। गाजर में कैलोरी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, सिलेनियम, मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान गाजर क्यों खाने चाहिए और गाजर का जूस क्यों पीने चाहिए। अब तो आपको पता चल गया दोस्तों कि गाजर में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसे पोषक तत्वों का खजाना भी कहा जाता है। यह जमीन पे उगने वाली सब्जी है, जिसे आप कच्चे भी खा सकती हैं, आप जूस बना के भी पी सकती हैं, आप सब्जी के रूप में भी खा सकती हैं। तो सेहत के लिए बहुत लाभकारी होगा दोस्तों। गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये आपकी आँखों के लिए ही नहीं, बल्कि घर में पल रहे शिशु की आँखों की रोशनी तेज करने में मदद करता है। गाजर में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और आजकल आपको इम्यून सिस्टम की तो चिंता जरूर होती है, क्योंकि बीमारियों से बचना है तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप उन चीजों का सेवन करें जिसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन ए बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास में मदद करता है। गाजर का सेवन करने से खून की कमी भी नहीं होती है, आयरन की कमी भी पूरी होती है। तो गाजर जरूर खाने चाहिए या इसका जूस बनाकर पीने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कब्ज की परेशानी तो आम बात होती है दोस्तों, पर गाजर में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गाजर को अगर आप रोजाना खाती हैं तो कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। इसमें फास्फोरस होता है, जो शरीर की ऐंठन और मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने का काम करता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। कई महिलाओं का ब्लड प्रेशर ऊपर होता है, कई महिलाओं का नीचे। तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है। तो गाजर का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। गाजर में मैग्नीज होता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों और कार्टिलेज के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। गाजर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी और फोलिक एसिड होता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के तंत्रिका और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। आप गाजर का सेवन करते हैं तो आपका शिशु स्वस्थ पैदा होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आएगी, जन्म के समय भी होने वाले कुछ परेशानियां जो होती है वो भी नहीं होगी। तो गाजर खाने के तो इतने फायदे होते हैं, पर नुकसान भी कुछ हम जान लेते हैं। माना कि गाजर प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत फायदेमंद होता है, चाहे ऐसे खाने में या जूस बना के पीने में, पर कुछ नुकसान होते हैं। गाजर में कैरोटीन नामक पदार्थ होता है, जो अधिक मात्रा में लेने पर त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिक मात्रा में गाजर का सेवन करने से विटामिन ए की उच्च मात्रा आपके शरीर में अधिक हो जाती है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ठीक नहीं होता। गाजर का ज्यादा सेवन करने से सिर में दर्द की समस्या भी होती है, कई महिलाओं को जी मिचलाने की भी समस्या होने लगती है। गाजर का जूस अगर आप ज्यादा पीती हैं तो हो सकता है आपको सुस्ती लगे और सिर में दर्द रहे। तो ये छोटी मोटी बातें हैं,
आपको खुद ही समझ लेना चाहिए कि आप कितनी मात्रा में गाजर खाएं ताकि आपके लिए, आपके घर में पल रहे शिशु के लिए फायदेमंद हो। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।